हाय दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हो पैनल है। पैनल में हम लोग 150 स्क्वायर एमएम का केबल कनेक्ट करने वाले। फुल वीडियो वॉच करना। तो चलो लेट्स गो, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी पैनल का जो प्लेट होता है, जहाँ पे क्लाइंट लगता है, वो मैंने प्लेट पहले ही उतार लिया था, क्योंकि केबल में चैगनेट के थ्रू कि मैं ग्लाइंड में फंसा सकूँ इसको, क्योंकि 150 स्क्वायर एमएम का केबल है और वो कॉपर केबल है, आर्मर्ड कॉपर केबल। बाद में वहाँ पे चैगनेट लगने में बहुत डिफ़िकल्ट होता था, इसके वजह से मैंने प्लेट पहले ही उतार लिया था, क्योंकि केबल इन करने में मुझे ईजी रहेगा। अगर आप लोग भी कनेक्शन कर रहे हो 150 स्क्वायर एमएम का केबल, तो आप लोग को जो ग्लाइंड का प्लेट होता है वो खोल लेना है और चेक नट के थ्रू ग्लाइंड में आपको फंसा लेना है, फिर आप केबल इन करोगे तो आपका इजी केबल इन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो, क्योंकि कॉपर आर्मर्ड केबल होता है ना, बहुत हार्ड होता है, आप उसको थोड़ा भी बेंड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एलुमिनियम केबल अगर आर्मर्ड केबल है तो आप बेंड कर सकते हो, कॉपर केबल में पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप बेंड कर सकते हो। अगर सिंगल पेयर है तो आप बेंड कर सकते हो उसको, कैसा भी टर्न कर सकते हो, लेकिन यू टर्न में या जीरो शेप में आपको टर्न नहीं करना है, क्योंकि आपका टर्न ही नहीं होगा। एल्युमिनियम केबल रहेगा तो आपका जीरो जीरो एंगल में आपका टर्न हो जाएगा, लेकिन कॉपर केबल आपका थोड़ा भी टर्न नहीं होगा, हल्का नॉर्मल शेप में लाना है तो आप शेप में ला सकते हो। तो आप लोग देख रहे हो, मेरा पैनल के अंदर ऑलरेडी मेरा केबल इन हो चुका है, और चार स्क्रू के मदद से जो मेरा प्लेट खुला हुआ था वह मैं प्लेट टाइट कर लूँगा। और ये आप देख रहे हो, ये RYB, क्योंकि MCC भी है, थ्री फेज का है, न्यूट्रल के लिए बस बार है, तो हम लोग केबल RYB का जो है और न्यूट्रल का है ग्लैंडर मशीन के मदद से कटिंग करेंगे, क्योंकि आप लोग सोचोगे एक्सो ब्लेड से कटिंग करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, आपको ग्लैंडर मशीन के मदद से ही कटिंग करना है। तो आप लोग देख रहे हो, मैं ग्लैंडर मशीन के मदद से ही कटिंग करूँगा, और जो इसका रिंग लक होता है वो मैं रिंग लक लगाऊंगा। और आप लोग को केबल कनेक्ट करने से पहले आपको मेज़र लेना है, आप लोग ऐसा कभी कटिंग मत करना बिना मेज़र से, क्योंकि आपका अगर थोड़ा भी छोटा हो गया ना तो बाद में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये पैनल है ना, मैंने ऑर्डर दे के बनवाया है, तो ऑर्डर दे के बनवाया है तो क्योंकि MCC भी है, बस बार के थ्रू फिक्स लगा हुआ है, उसको ऊपर नीचे थोड़ा भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप लोग भी कटिंग कर रहे हो केबल, तो आप लोग को ध्यान देना है कि प्रॉपर आपको मेज़र करना है, आपको वहाँ पे रिंग लग रखना है MCCB में, फिर आपको केबल कट करना है, क्योंकि केबल जो रहता है ये त्रिकोण शेप के आकार में रहता है, तो हथौड़ी के मदद से आपको लग के साइज़ में आपको लाना है, आप हथौड़ी मारोगे तो साइज़ के हिसाब में आ जाएगा, और रिंग लग केबल के फंसा ले, फंसाने के बाद आपको हथौड़ी के मदद से आपको फुल ठोकना है, जितना अंदर जाने का रहेगा हथौड़ी के मदद से फुल उतना चले जाएगा, फिर आपको क्लिपिंग मशीन के मदद से, और गोटी इसमें 150 स्क्वायर एमएम का केबल है तो गोटी आपको 95 नंबर का गोटी लगाना पड़ेगा आपको। तो आप लोग देख रहे हो, आर्म में मेरा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह मैं YB का और न्यूट्रल का भी सेम कटिंग करूंगा, और सेम हम लोग रिंग लग फंसाने वाले, पूरा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं इसको क्लिपिंग मशीन के मदद से मैं फुल क्लिपिंग करूंगा। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, 150 स्क्वायर एमएम का केबल कनेक्ट कर रहा हूँ, इसका सेकेंड पार्ट भी आने वाला है, सेकेंड पार्ट में मैं बताऊँगा। RYB का जो MCB होता है उसमें लाइटिंग सर्किट और पावर सर्किट कैसा कनेक्ट करते हैं, और AC के लिए हम लोग सिंगल फेज का है उसके लिए भी RYB का सेपरेट किया हम लोग, वो भी बताऊंगा मैं। 4 स्क्वायर mm का AC सर्किट है, फुल वीडियो वॉच करना तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। 150 स्क्वायर mm का आर्मर्ड कॉपर केबल MCCB के अंदर कैसा कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे थ्री फेज का AC भी है, जो हम लोग 4 स्क्वायर mm का वायर खींचेंगे उसके लिए आउटसाइड में वाटरप्रूफ बॉक्स लगाएंगे, उसका भी वीडियो आएगा, तो वो भी वीडियो वॉच कर लेना,
वाटरप्रूफ बॉक्स कैसा लगाते हैं, और थ्री फेस का जो MCB है AC के लिए वो कैसा कनेक्ट करते हैं, वो भी सेकेंड पार्ट में आएगा। तो आप लोग देख रहे हो R तो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, अब मेरा Y है, Y को भी सेम जो त्रिकोण के आकार में रहता है सेम मुझे लग के आकार में लाना है हथौड़ी की मदद से या पकड़ की मदद से। तो फिर आप रिंग लग है आप लगा सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका रिंग लग केबल के अंदर इन हो जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी मेरा आकार में आ चुका है, तो मैं रिंग लग रख के हथौड़ी के मदद से ही ठोकूंगा तो फिर ये अंदर जाएगा। और आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है कि ज़्यादा प्रेशर से नहीं ठोकना है, अगर आप प्रेशर से ज़्यादा ठोकोगे तो जो रिंग लग होता है वो बीच में पिंच हो जाएगा, तो पिंच होने के बाद आपका जो नट बोल्ट रहेगा बोल्ट वो आपका इन नहीं होगा, तो उस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रखना है। मेरा Y भी कनेक्ट हो चुका है, अब मैं B कनेक्ट करूँगा, B के बाद मेरा न्यूट्रल कनेक्ट होगा, सेम लग सब में फंसाना है रिंग लग। उसके बाद मैं क्लिपिंग मशीन के मदद से मैं इसको फुल क्लिपिंग करूँगा, और आप लोग भी अगर क्लिपिंग कर रहे हो तो फुल क्लिपिंग करना। अगर केबल 150 square mm का है तो इतना आप लोग ध्यान रखना कि आपको 95 का गोटी से ही करना है। अगर 150 का गोटी से करोगे तो आपका प्रॉपर नहीं होगा, वो लूज़ रहेगा, लूज़ होने के वजह से आपका कैसा हो सकता है शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, धीरे धीरे स्पार्क होगा, स्पार्क होने के बाद आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो आप लोग को 95 का गोटी से ही करना है क्लिपिंग, और आपको क्लिपिंग प्रॉपर करना है, एक जगह पे, दो जगह पे, तीन जगह पे, एक लग में आपका तीन जगह पे क्लिपिंग होगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और मैं वो भी बताऊंगा कि इसका क्लिपिंग कैसा हुआ है, और लास्ट में मैं पैनल भी ऑन करके बताऊंगा। अगर आप नए इलेक्ट्रिशियन हो तो आप लोग के लिए है पैनल वगैरह, आप DB का ड्रेसिंग बहुत सारा देखे होंगे, लेकिन पैनल के अंदर कैसा होता है, बहुत लोग एल्युमिनियम यूज़ करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट कॉपर केबल है, आर्मर्ड कॉपर केबल, क्योंकि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ज़्यादा करके क्या होता है किलोवाट ज़्यादा होता है, और इसका किलोवाट भी मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसका किलोवाट भी बताऊँगा मैं आप लोग को, और इसका लोड क्या है वो लोड भी मैं बताऊँगा आप लोग को RYB के हिसाब से। और सिंगल फेस का जब MCB में कनेक्शन होगा लाइटिंग का या पावर सर्किट का या AC सर्किट, वो भी वीडियो जस्ट आएगा, जल्दी आएगा, वो भी वीडियो फुल वॉच करना। और पूरा पैनल का सेटअप करके मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ का कनेक्शन हुआ है, यहाँ पे से मेरा CT का जाएगा, एक्सरे रूम का जाएगा, और UPS के लिए जाएगा, UPS का पैनल का भी आने वाला है, UPS का केबल। और उसमें हम लोग 70 square mm का केबल कनेक्ट करेंगे, उसका भी वीडियो आएगा, उसका भी वीडियो अपलोड होगा, तो फुल वीडियो वॉच करना। आप लोग वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर करना। ये आप लोग देख रहे हो एक लग को मैंने तीन जगह पे क्लिपिंग किया है, क्योंकि प्रॉपर क्लिपिंग हो सके, और आपको RYB के हिसाब से आपको टेप मार लेना है। तो आप लोग देख रहे हो मैं टेप कर रहा हूँ, टेप करने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं नट बोल्ट के हिसाब से, और आपका जो वाइसर लगेगा वाइसर आप ध्यान पे लगाना, क्योंकि वाइसर बहुत सारा छोटा आता है, तो आपको छोटा साइज़ में नहीं मीडियम साइज़ में लगाना है, तो मीडियम साइज़ में लगाओगे तो ये प्रॉपर फुल टाइट होगा, और टाइट करने के लिए आपका जो गोटी पाना आता है गोटी पाने के हिसाब से टाइट करना है, रेंज के हिसाब से सोचोगे आप टाइट करने के लिए तो पॉसिबल नहीं है, रेंज के हिसाब से अगर जहाँ पे आपका हाथ नहीं जा रहा है आप रेंज पाने के हिसाब से टाइट कर सकते हो, क्योंकि RYB सामने है तो मेरा गोटी पाने के से टाइट हो जाएगा, लेकिन जो न्यूट्रल बस बार है मैंने आप लोग को जो बताया हूँ वहाँ पे मुझे रेंज ही लगाना पड़ेगा। तो आप लोग देख रहे हो ये ऑलरेडी मेरा R कनेक्ट हो चुका है, Y भी कनेक्ट हो गया है,
से मेरा बी कनेक्ट करना है, फिर मैं न्यूट्रल कनेक्ट करूँगा और सेम गोटी पाने के हिसाब से मैं फुल टाइट करूँगा। अगर आप लोग भी कनेक्ट कर रहे हो तो फुल टाइट करना, आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। अगर नए इलेक्ट्रिशियन हो तो फुल वीडियो वॉच करना, आप लोग को काम सीखने के लिए मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, इसी तरह लेटेस्ट वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे हॉर्स वायरिंग पैनल से रिलेटिव वीडियो और ऑटोमेशन का वाइट लाइन का है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से फुल वीडियो वॉच कर सकते हो। या आई बटन में लिंक दे दूंगा डीपी से ड्रेसिंग वीडियो, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हो वीडियो। अगर एमसीसी भी अगर आपको परचेस करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आप लोग देख रहे हो दोस्तों, मैं गोटी पाने की मदद से मैं फुल टाइट कर रहा हूँ, और जो न्यूट्रल है वो रिंच पाने से ही मुझे टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि गोटी पाना वहाँ पे बैठेगा नहीं, उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अंदर है। और एक साइड पे आपको पकड़ से पकड़ना है तो ही आप नट को टाइट कर पाओगे, नहीं तो आपका बोल्ट घूमते रहेगा, वो टाइट नहीं होगा, लूज़ कॉन्टेक्ट रहेगा। आप लोग को लूज़ कॉन्टेक्ट थोड़ा भी नहीं छोड़ना है, थोड़ा भी रखना नहीं है लूज़ कॉन्टेक्ट, आप लोग फुल टाइट करें। ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका है RYB न्यूट्रल। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका बस बार कैसा कनेक्ट हुआ है और बस बार में से क्या क्या कनेक्ट हुआ है, बस बार कहां तक गया है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। MCC भी है 400 एम्पियर का है सिंगल फेज, तो देख रहे हो पैनल मेरा ऑलरेडी ओके कंप्लीट हो चुका है। लोड अभी और एम्पियर कुछ भी नहीं बताएगा क्योंकि इस पे लोड नहीं दिया हुआ है, लोड नेक्स्ट पार्ट में आएगा। जो आप ऊपर देख रहे हो सिंगल सिंगल का, वो लाइटिंग के लिए है। बीच में आप लोग देख रहे हो 3 MCB भी है, वो 3 फेज के AC के लिए है। ये आप देख रहे हो यहाँ पे RYB। तो चलो लेट्स गो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।